अब आपको हम वायनाड लेकर चलते हैं, जहां आज राहुल गांधी ने जनता से ही यह पूछ लिया कि उन्हें रायबरेली की सीट छोड़नी चाहिए या वायनाड की सीट छोड़नी चाहिए। द क्वेश्चन इज विल आई बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड और विल आई बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रायबरेली। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लाइक द प्राइम मिनिस्टर आई एम नॉट गाइडेड बाय गॉड। Anyway, back to the question of why not or rivalry. What I will commit to you is that both Wayanad and Amethi and Rai Bareli will be happy with my decision. तो वायनाड में आज राहुल गांधी थे और वहीं के लोगों से पूछ रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। बड़ी मुश्किल में वो फंसे हुए हैं, दुविधा में हैं कि वायनाड को छोड़ें या रायबरेली को छोड़ें। लेकिन सूत्रों से ये पता चला है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ सकते हैं, जहां से वो दूसरी बार सांसद बने हैं। अब वायनाड के लोगों को कैसा लगेगा, देखिए। पिछली बार वो अमेठी से हारे और वायनाड के लोगों ने उन्हें बचा लिया। इस बार भी उन्हें पूरा विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश में किसी सीट से जीत भी पाएंगे या नहीं, इसलिए उन्होंने पहला दांव खेला वायनाड पर। और वायनाड के जो लोग हैं वो राहुल गांधी के सच्चे दोस्त हैं, पक्के मित्र हैं। राहुल गांधी के जो सच्चे, जिसको कहता है कि फॉलोअर्स हैं, वो हैं। उन्होंने राहुल गांधी को कभी धोखा नहीं दिया, ना पिछली बार धोखा दिया ना इस बार धोखा दिया। अमेठी के लोगों ने दे दिया लेकिन वायनाड के लोगों ने नहीं दिया। इस बार भी राहुल गांधी असमंजस में थे और उन्हें पूरा यकीन था वायनाड के लोगों पर कि वायनाड के लोग उन्हें धोखा नहीं देंगे, और इस बार भी वायनाड के लोगों ने जो वचन दिया था उसे निभाया। लेकिन अक्सर जिंदगी में यही होता है, जो लोग अपना वचन निभाते हैं, जो लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम सबसे पहले उन्हीं को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि ये तो हमारे साथ है ही, ये कहां जाएंगे। इसलिए वायनाड के लोगों को आज दुख तो बहुत हो रहा होगा, या आगे चलकर जब उन्हें यह पता चलेगा कि राहुल गांधी वायनाड को छोड़कर रायबरेली जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति के हिसाब से उन्हें रायबरेली ज्यादा सूट करता है। अब अगली बार वायनाड के लोग क्या करेंगे, अगर दोबारा राहुल गांधी वहां से तीसरी बार भी चुनाव लड़ने के लिए आए, तब वायनाड के लोग क्या करेंगे, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा।